अस्सलाम वालेकुम। आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको ये ओवरलॉक की दांतरी कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि ये इसका जो दांतरी है ना, ये अंदर से बिल्कुल घिस गई है और सही से कपड़ा भी पीछे खींच नहीं रही है। तो हम इसको सबसे पहले इसको खोलेंगे। ये दोनों बोल्ट खोलने के बाद ये प्लेट खोलेंगे। पहले फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ एक बोल्ट है, ये बोल्ट चुमटा से इस तरह हम पकड़ लेंगे तो आपको ऐसे खींच लेंगे। सबसे पहले हम ये प्लेट को लेंगे और इसको फंसा के देख लेंगे। कभी कभी नया दांतरी आप लेंगे ना, तो ये बराबर है ना, इसमें ये खांचा में बैठता नहीं है। या अगर नया प्लेट लेंगे तो इसका होल छोटा रहता है, इसको घिस के मिलाना पड़ता है। फिलहाल में हम इसको देख लेते हैं, ये तो आ रही है क्योंकि काफ़ी पुराना प्लेट है। प्लेट अभी चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये दांतरी चेंज करेंगे। देखिए ऐसे साइड से देखें तो इतना आ रही है, इतना उठ रही है, तो हम इसको आसानी से सेट कर सकते हैं। पहले हम इसको बैठाएंगे। ये देखिए इसका खांच पतला है, इसका खांच पतला है, इसका मोटा है, इसके वजह से अंदर जा नहीं रही है। ये देखिए तो हम इसको है ना साइड से थोड़ा सा पेपर से ये साइड में थोड़ा पेपर से घिसेंगे, इसको अच्छा से घिस लेंगे। ये इसको हम इस तरह रखेंगे, इसको ऐसे, क्योंकि ये नया दांतरी सेट करना बहुत मुश्किल रहता है और सिलाई मशीन का रहता है तो जल्दी सेट हो जाती है, उसमें सेट करना ज़्यादा नहीं तकलीफ होती है। अब इसको लगा के देखेंगे कि सही आ रही है। ये थोड़ा और इसको घिसना पड़ेगा क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे कम है। ये देखिए ये मतलब ये चौड़ा है, ये पतला है, यानी ये देखिए थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको और घिसना पड़ेगा।
इसको यहाँ से पकड़ेंगे। और यहाँ से हम इसको टाइट करेंगे। अब इसको हम सबसे पहले प्लेट लगाएंगे। ये देखिए, ये प्लेट लग गई। पहले क्या करेंगे, दोनों बोल्ट को हम अच्छा से टाइट कर लेंगे। अब इसको उठा के ये दांत को मशीन चला के देखेंगे, दांत कितना ऊपर आ रही है। ये देखिए, दांत इतना ऊपर आ रही है, यानी कपड़ा अच्छा खींचेगी इतना ऊपर है। तो अगर ये ज़रूरत से भी ज़्यादा अगर ऊपर आ गई है, तो हम इसको नीचे का बोल्ट ये ढीला करके यहाँ से, ये देखिए, ये बोल्ट ढीला करके यहाँ पे जो बोल्ट है अंदर में, इसको ढीला, ये बोल्ट ढीला करके हम इसको थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल में हम इसको इतना ही रहने देते हैं। अगर ज़्यादा तकलीफ होगी तो बाद में ढीला कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप भी चेंज कर सकते हैं ओवरलॉक के दांत। और कभी भी दांत चेंज कीजिएगा तो साइड में घिसना पड़ता है, क्योंकि ला खरीद के लाए और चेंज कर लिए ऐसा नहीं हो सकता, इसको सेटिंग करना पड़ता है, मिलाना। अभी हम इसको बंद करके सिलाई मार के देखेंगे पलियों में। ये देखिए, ये दांत अच्छा भी अच्छी तरह से भी इसको हम चेंज कर लिए हैं। हम ऐसे उठा के भी देख लेंगे कहीं पे आवाज़ तो नहीं ना आ रही है कट कट करके, ऐसे आवाज़ आए तो समझ लीजिए सही से बैठा हुआ नहीं है। लेकिन फ़िलहाल में ये हमारा ये दांत सही बैठ गई है। बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें, बेल का घंटी बजाएँ। कोई भी सवाल है कॉमेंट करके हमें बताएँ।